नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। जी हां, पेश है 5 अगस्त और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सभी बैंक खाते वालों के लिए 5 बड़ी अपडेट, 5 बड़ी घोषणा, 5 नए नियम लागू। दरअसल आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। अब एक की जगह डिपोजिट अकाउंट के अंदर आप रख सकेंगे सीआर नॉमिनी, सरकार ने जारी किए निर्देश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सभी बैंक खाते वालों के लिए नए नियम में अब एक की जगह डिपॉजिट अकाउंट के अंदर सीआर नॉमिनी रख सकेंगे। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश वो भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानूनों में कई बदलावों को मंजूरी दी है। डिपॉजिट अकाउंट के नियम पर बड़ा अपडेट किया गया है। नॉमिनी को लेकर सरकार का ये नया प्लान है जिसमें हर डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 1-7 नामांकन शुरू करना शामिल था। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक की हिस्सेदारी वाले शेयर धारकों को पर्याप्त हित वाला माना जाएगा, जबकि वर्तमान में इसकी सीमा 5,00,000 रुपए है जो लगभग 7 दशक पहले तय की गई थी। इसके अलावा होम, ऑटो और पर्सनल लोन सबसे महंगा हो गया है। इस सरकारी बैंक ने सबसे बड़ा झटका दिया है। और इसी के साथ ही चलते हैं राजस्थान प्रदेश की बात कर लेते हैं आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब 10 महीने में राजस्थान में तैयार होंगे पायलट। प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी किशनगढ़ में शुरू की गई। अमेरिका जर्मनी से आएंगे से विमान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर के किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत कर दी है। अब पायलट बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स को राजस्थान में ही ट्रेनिंग मिल सकेगी। इसके लिए उनको दिल्ली, मुंबई या विदेश नहीं जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अवनिया एविएशन एकेडमी की ओर से इस सेंटर का संचालन किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका से 5 और जर्मनी से 1 विमान भी खरीदा गया है। सीएम बोले, राजस्थान भरेगा ऊंची उड़ान। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है जिससे राजस्थान भी ऊंची उड़ान भरेगा। ये तो शुरुआत है, इस तरह के राजस्थान में अभी और कई काम होंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां टीम वर्क और धैर्य के साथ काम करना होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे हैं, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भीलवाड़ा छलवाड़ एयरपोर्ट को लेकर कहा कि वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि भारत तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन बाजार है। भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या हर साल 15% बढ़ रही है। ये सालाना 37 करोड़ 6 लाख पहुंच गई है। हवाई अड्डों पर एयर कार्गो भी बढ़ा दिए हैं। इस क्षेत्र की तरक्की से प्रदेश में पर्यटन उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। घर में एसी है तो लगाने होंगे 50 पौधे। सरकार ने वाहन मालिकों को भी दिया टारगेट, सुरक्षा में लगेंगे 50,000 लोग। राजस्थान सरकार 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आम लोगों को भी पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। बाइक चलाने वालों को 5 पौधे लगाने होंगे, कार मालिक को 10 पौधे तो ट्रक बस मालिक को 20 पौधे लगाने होंगे। घर में एसी होने पर 50 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम लोगों को डंडे के बल से पौधारोपण करने के लिए नहीं कह सकते हैं, हम उनके आग्रह कर रहे हैं कि वे पौधारोपण जरूर करें। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में अभियान के बारे में दिलावर ने कहा कि इन गर्मियों के सीजन में राजस्थान की कुछ शहर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म थे। बढ़ती गर्मी को रोकने और आम जनता की जान बचाने के लिए हरियाली तीज के मौके पर सघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें शासन और प्रशासन जनता के साथ मिलकर राजस्थान को हरा भरा और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा राजस्थान को हरी चादर भी उड़ाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर अहम खबर है। अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा पैदल, विद्यार्थियों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आने वाले सभी विद्यार्थियों को राहत देने के लिए घर से स्कूल की दूरी पर रास्ते का किराया देने की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे स्कूलों तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश भी इस समय जारी कर दिए हैं। इस योजना का लाभ मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी मिलेगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की भी बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया है।
पहली से आठवीं तक के विद्यार्थी विवाहतर सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को दोनों का ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विद्यालय की घर से दूरी के आधार पर राशि तय कर दी गई है। पहली से पांचवी में 1 किलोमीटर, छह से आठवीं कक्षा तक के 2 किलोमीटर की दूरी होने पर पात्र विद्यार्थियों को प्रतिदिन 10 से 15 रुपए वाउचर दिया जाएगा। पूरे सत्र में इन कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 3,000 स्वीकृत होंगे। गांवों की छात्राओं को मिलेगा लाभ। इसके अलावा आपको बता दें कि इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में पढ़ने वाली उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिनके स्कूल की दूरी घर से 5 किलोमीटर से अधिक है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश से नदियां आई उफान पर, काली सिंध पास गेट खोले गए, कई जिलों में जारी किया गया अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, कई जिलों में अति भारी बारिश हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इधर प्रदेश में सियार बच्चों की बहने और डूबने से मौत हुई है, ये बुरी खबर है। झालावाड़ जिले में सुबह से 8 से 5 बजे तक सबसे ज्यादा रायपुर में 106 mm यानी करीब 4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा काली सिंध बांध के पास गेट खोलकर 55,604 क्यूसेक तथा सापी बांध का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, हमें ऐसी इस समय खबर मिली है। काली सिंध उजाड़, आहू, चाचुरुनी नदी सहित अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। इसके आने से झालावाड़ से लेकर कोटा तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। झालावाड़ जिले के गंगाधार क्षेत्र में भारी बारिश के चलते छोटी काली सिंध नदी उफान पर आ गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सितंबर अक्टूबर की बिजली बिल देंगे उपभोक्ताओं को करारा झटका, लागू हुई बिजली की नई दरें। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो इस समय दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो प्रदेश भर के लोगों को शौकाने वाले हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यूनिट दरों में तो किसी तरह का कोई बदलाव ही नहीं हुआ, लेकिन फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई। इस नई व्यवस्था के बाद अब जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आने वाले बिजली के बिल उपभोक्ताओं को अच्छा खासा करंट मारेंगे। बता दें कि उद्योगों को 7.5% की छूट मिलती थी, उन्हें अब दिन के समय में 12 से 4 बजे के बीच विद्युत उपयोग करने पर छूट का प्रावधान रखा गया है। इस समय बिजली इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को यूनिट दरों में 10% की छूट मिलेगी, जबकि 11 केवी लाइन पर किए गए घरेलू कनेक्शन पर प्रति केवी 250 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये प्रति केवी कर दिया गया है, यानी 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल परिवारों की जेब पर भी बढ़ेगा आर्थिक बोझ। बता दें कि बिजली दरों की गई बढ़ोतरी के चलते 50 यूनिट तक खपत पर बीपीएल उपभोक्ताओं को 100 रुपये की जगह बढ़ाकर 150 रुपये वसूले किए जाएंगे, जबकि 50 यूनिट तक खपत पर सामान्य उपभोक्ताओं से 125 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये वसूले होंगे। वहीं 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज को 230 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है, जबकि 300 यूनिट तक खपत पर 275 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किए गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना वालों को नहीं पड़ेगा फर्क। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना लागू की गई थी, इसका लाभ करीब 98 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ये वे उपभोक्ता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले मांगई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया था। करीब 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं अब भी इसके लाभ से वंचित हैं। बताया जा रहा है कि नया टैरिफ से मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अन्य उपभोक्ता जो पहले से ही खुद का ठगा महसूस कर रहे हैं उन्हें अधिक बिल चुकाना पड़ेगा। विधायक ने ये जानकारी दी है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की नई सुविधा, अब किसान खुद करा सकता है गिरदावरी। राजस्थान सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, अब किसान अपने खेत में बैठकर खुद अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है, उसे पटवारी की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के आदेश के मुताबिक किसान को बस अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर अपने आधार कार्ड से उसे लॉग इन कर ई गिरदावरी कार्य शुरू कर सकता है। कृषि विभाग के मुताबिक राज किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत या खेत का खसरा नंबर सेंड करके खड़ी फसल की गिरदावरी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकता है, फिर में किसान की फसल के रियल टाइम फोटोग्राफ लिए जाएंगे जिनके आधार पर पटवारी गिरदावरी को प्रमाणित करेगा। बिना फसल की गिरदावरी करनी चाहिए, यदि किसी के खेत में कोई भी फसल बोई हुई नहीं है तो भी निल यानी बिना फसल गिरदावरी करनी चाहिए, ताकि खुद के स्तर पर गिरदावरी करने की प्रक्रिया जान सके। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बारिश के चलते जैसलमेर और बाड़मेर की स्कूलों में आज रहेंगी छुट्टियां। 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, तो 5 बच्चों की मौत। 20 जिलों में अलर्ट जारी, बांध ओवरफ्लो। राजस्थान में आज
आज बारिश का दौर सुबह से लगातार जारी है। झालावाड़, उदयपुर, पाली, माउंट आबू, शिरोई और भरतपुर में तेज बारिश हुई है। माउंट आबू में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 50 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने कोटा संभाग के 3 जिलों कोटा, बारा, झालावाड़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जगह ऑरेंज और 8 जगह येलो अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते सोमवार 5 अगस्त को आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। इसके अलावा बाड़मेर जिला कलेक्टर ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नैना राम जानी ने इसका आदेश जारी किया है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 21% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर मानसून सीजन में 1 जून से 3 अगस्त तक 231 mm बारिश होती है, जबकि इस सीजन में अब 225.6 mm बारिश हो चुकी है। साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, रेगिस्तान जिलों में जोरदार बारिश की अनुमान। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर के एरिया में 1 से 3 इंच तक पानी बारिश हुई। जैसलमेर के सम एरिया में 24 mm बारिश के बाद रेगिस्तान में कुछ जगहों पर पानी का झरना बहता नजर आया। इधर बाड़मेर में 47 mm, गुड़ामालहनी में 44 तो जालोर के भीनमाल में 28, राजसमंद के आमेट में 20 mm तो सिरोही के माउंट आबू में 26 तो उदयपुर के झाड़ोल में 39, बड़गांव में 37 वहीं अजमेर के अराई में 45 mm बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सवाईमाधोपुर, करौली समेत अन्य जगहों पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बांधों में अब भी पानी की आवक जारी है। सवाईमाधोपुर के शौत का बरवाड़ा स्थित ढील बांध आज से ओवरफ्लो होकर छलकने लगा है। करौली के पांसा बांध में लगातार तीसरे दिन भी पानी सोड़ता नजर आ रहा है। वहीं शनिवार के बांध के 3 गेट खोले गए जहाँ 1200 क्यूसेक पानी है वो छोड़ा जा रहा है। इधर आपको बता दें कि प्रशासन ने इस बांध के 5 गेट को कुछ इंच खोलकर यहाँ से पानी की निकासी शुरू कर दी है। इसके अलावा आज कई जिलों में अलर्ट जारी, जोधपुर, नागौर, पाली में ऑरेंज अलर्ट तो भीलवाड़ा, जयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही में जालोर के अंदर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बदलेगा PCC, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई चेहरों पर दांव लगा सकती है कांग्रेस। राजस्थान में भाजपा की बात, अब कांग्रेस में भी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। चर्चाएं कि ब्राह्मण या आदिवासी चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। इस बदलाव को सचिन पायलट के बढ़ते प्रभाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में भाजपा ने हाल ही में संगठन और नेतृत्व में फेरबदल किया। अब कांग्रेस भी उपचुनाव में नए सिरे से उतरने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग करके दी है। पार्टी के इस कदम से राजस्थान PCC को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि किन वजहों से राजस्थान कांग्रेस में हो सकता है बदलाव, इसका भी कारण सामने आ रहा है। इस सबसे बड़ा कारण, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जगह किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जा सकती है। इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है सचिन पायलट। पिछले कुछ समय से सचिन पायलट लगातार सक्रिय हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इससे पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें और जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरा कारण है जातिगत समीकरण और तीसरा नए सिरे से चुनावी तैयारी करना। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मत्स्य दिनों में लगेगी 20 लाख से ज्यादा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। परिवहन विभाग ने वाहनों की चोरियों और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर दुपहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने पिछले साल से ये कवायद शुरू कर दी थी। इधर 31 जुलाई को अंतिम तिथि निकलने के बाद विभाग ने इसकी डेट बढ़ाते हुए आपको बता दें कि 10 अगस्त कर दी। इसी दौरान 8 महीने में विभाग करीब 7 लाख से अधिक वाहनों पर ही नंबर प्लेट लगा पाया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि करीब 20 लाख से अधिक वाहनों की नंबर प्लेट कब लगेगी। बता दें कि अब रजिस्ट्रेशन में मत से दिन ही बचे हैं। वहीं अब 20 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिन पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। इधर आवेदक को रजिस्ट्रेशन कराने पर प्लेट के लिए उनको 2 महीने में नंबर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इन सब के बीच ये टारगेट कैसे पूरा होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थानी भाषा को राजभाषा का मिलना चाहिए दर्जा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऐलान का दिल्ली में भाजपा की मान्यता को लेकर कर रहे हैं प्रयास। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर एक बार फिर से नई पकड़ नजर आ रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस भाषा को मान्यता देने की मांग की है। शेखावत ने जोधपुर में काव्य कलरव पुस्तक विमर्शन समारोह में कार्यक्रम में उन्होंने भाषा की मान्यता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि इसको मान्यता देने के लिए सबसे पहले राजस्थान में राजभाषा का दर्जा दिया ही जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस संबंध उन्होंने राजभाषा का दर्जा देने की मांग की है। शेखावत ने की राजस्थानी भाषा की पैरवी। वहीं आपको बता दें कि इधर हिंदी को राजस्थान की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है।
इधर शेखावत ने कहा सदर संघ चुनाव करवाना लोकतंत्र का प्रतीक है, ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। शेखावत ने कहा कि वो स्वयं भी राजनीति की इसी पाठशाला से निकले हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित और भी कई दिग्गज नेता अपनी राजनीति की शुरुआत सात्र राजनीति से कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए है, इसके लिए वो सीएम अजय शर्मा से भी आग्रह करेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, अब राजस्थान को हर स्कूल की बनेगी प्रोफाइल, आदेश हुआ जारी। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी स्कूल की 10 साल दर्पण पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस प्रोफाइल पर स्कूल संबंधित सभी प्रकार के डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी ने सभी सीडीओ डीओ और सीबीओ और संस्था प्रधानों को एक परिपत्र जारी करके निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के अनुसार उपयोग करने के बाद विद्यालय प्रोफाइल के प्रत्येक भाग में लास्ट अपडेट डाटा आवश्यक रूप से अंकित करने को कहा गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान सरकार इसी महीने करवाएगी फ्री तीर्थ यात्रा, ट्रेन से कई जगहों पर घूम पाएंगे प्रदेश भर के बुजुर्ग लोग। राजस्थान सरकार इसी महीने सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रियों को योजना के तहत 37,000 बुजुर्गों को फ्री में यात्रा करवाएंगी। देवस्थान विभाग इस महीने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। पिछले साल तीर्थ यात्रा से वंचित रहे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा इसी महीने करवाई जाएगी। फिलहाल नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रेलवे से ट्रेनों की मंजूरी के आधार पर यात्रा की अवधि तय होगी। करीब 30,000 बुजुर्गों को रेल मार्ग से अयोध्या और रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थल तथा 6,000 को हवाई मार्ग से काठमांडू नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित, बड़ा ऐलान। ऊर्जा क्षेत्र में सीआर संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मिली मंजूरी। ऊर्जा क्षेत्र में अब सीआर संयुक्त उपक्रम लगेंगे। बता दें कि उपक्रमों से होगा 1,37,000 करोड़ रुपए का निवेश। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सबसे अहम खबर आ रही है, कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीएम अजय शर्मा का आश्वासन, वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें जल्दी होंगी लागू। मुख्यमंत्री अजय शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री अजय शर्मा ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें उन्होंने कहा कि जल्दी लागू होंगी। इसके साथ ही सीएम अजय शर्मा ने कहा कि 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए 1 जुलाई 2023 से एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों